वहीं दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मंगलवार यानी कि 30 अप्रैल को फिर मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले 29 अप्रैल को भी शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजम ने दलीलें रखी। बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं, आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसीलिए, और इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया, आपको नोटिस भेजे गए थे, आपने इसे नजरअंदाज कर दिया।